ASF जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ASF की जॉब्स के लिए। ASF में ASI कॉर्पोरल की सीट अनाउंस हो चुकी हैं। आपने करना क्या है, गूगल में आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और टाइप करना है ज्वाइन ASF। ज्वाइन ASF टाइप करने के बाद आपके पास जो वेबसाइट ओपन होगी asf.gov, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ASF की। आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने साइन अप करना है अपने अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद आपने CNIC टाइप करना है ओरिजिनल और अपना ही सिर्फ करना है, ईमेल अपना टाइप करना है। उसके बाद पासवर्ड में अपर केस भी होना चाहिए, यानी कि कोई कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए और स्मॉलर भी होना चाहिए, कुछ वर्ड्स भी उसमें शामिल होने चाहिए। यानी कि उसके अलावा आप इसमें हैश स्टार स्टेरिक वगैरह का भी इस्तेमाल लाजमी करेंगे, इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ज़्यादा इस पर ट्राई नहीं करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे दोबारा रीटाइप करना है, दोबारा पासवर्ड टाइप करना है कंफर्म पासवर्ड पे और साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप करने से आपका टेम्परेरी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इमेज जो है मोबाइल से जो फ्रंट हो, बिल्कुल सेल्फी टाइप ना हो, बिल्कुल फ्रंट की तस्वीर आपने अपलोड करनी है। उसको आपने 30 KB से लेस ही रखना है। साथ रीसाइज पिक्चर का ऑप्शन है, वहाँ से आप उसको कम भी कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर जो आपको करीबी सेंटर्स हो, ये मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, जो आपको करीबी हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपके रिटन टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट वगैरह होंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डोमिसाइल, यानी कि आप कौन से प्रोविंस से हैं, डोमिसाइल पे आपने वो क्लिक करना है। पंजाब, सिंध, अरबन, KPK, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, डिफरेंट जो है वो प्रोविंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म में अपना नाम टाइप करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी है। CNIC आपने टाइप करना है, आपकी कास्ट क्या है, खान, बलोच, मलिक, जो भी आपकी कास्ट है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जेंडर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद एज रिलैक्सेशन या अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अपने हाईएस्ट डिग्री, यानी कि अगर आपने BS किया तो पहले PS की डिग्री ऐड करनी है, फिर FA की और फिर मैट्रिक की, उसको फिर आपने सेव कर लेना है, जिसमें आपके पासिंग ईयर इंस्टीट्यूट वगैरह का रिकॉर्ड होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है कंप्यूटर का तो आप उसको ऐड करेंगे, अगर नहीं किया तो आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप प्रीवियसली अगर कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आपने वहाँ पर मैंशन करना है, अदरवाइज आपने स्किप कर देना है। वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो यार सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकल टेस्ट, रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन और ASF में ASI और कॉर्पोरल की सैलरीज को डिस्कस करेंगे।